चलो भाई यहाँ पे देखो, अभी ऑप्टिक्स के अंदर एक्सरसाइज का 27 एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये एक फोकल लेंथ आपको दी है माइक्रोस्कोप की, उसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन थर्टी एक्स का मतलब क्या है, वो 30 गुना ज्यादा करके देता है, ये उसका क्या है एंगुलर मैग्निफिकेशन है, समझो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन उसका कितना है 30x है, समझो आप यहां पे। अब उसने क्या पूछा है, हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेटअप का मतलब क्या हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, बस इसका मतलब है सेटअप। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे नॉर्मल अरेंजमेंट है और नॉर्मल अरेंजमेंट के लिए फाइनल इमेज जो है वो कहां पे बनती है, नियर डिस्टेंस पे बनती है। ये नॉर्मल अरेंजमेंट है, नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो फाइनल इमेज जो बनती है वो कहां पे बनती है, नियर पॉइंट पे बनती है। नियर पॉइंट मतलब क्या, डिस्टिंग्विशर वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईपीस की वजह से जो फाइनल इमेज मिलेगी वो कहां पे मिलेगी, -25 सेंटीमीटर पे मिलेगी। अगर मेरे पास आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस है और आईपीस की फोकल लेंथ है, तो क्या मेरे पास 1/FE इज इक्वल टू 1/VE -1/UE मिलेगा। चलो 1/FE, FE कितना है 5, VE कितना है -25, तो इसके ऊपर से मुझे आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, तो -1/25 -1/5, बोलो कितना होगा। 1/UE इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकालोगे तो 1/25 +1/5, तो 1/UE इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन निकाला, 5 + 25/5 × 25, तो UE इज इक्वल टू -5 × 25 / 30, तो UE आपको मिलेगा -25/6। ये आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, क्या मिलेगा ये आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस मिलेगा। अच्छा, अब मुझे यहां पे मैग्निफिकेशन दिया गया है, टोटल मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ क्या होता है आईपीस। टोटल मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। अब समझो यहाँ पे मुझे टोटल मैग्निफिकेशन एम दिया गया है, ओके। अब टोटल मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस क्या होता है, 1 + D/FE। तो एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और आईपीस क्या होता है, 1 + D/FE
एफ ई, समझना मैग्निफिकेशन एम तो है ही, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन एज इट इज रखता हूँ, आईपीएस के मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या है 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो ये आपको 30 दिया गया है, ये एम ओ 1 प्लस डी 25 और एफ ई कितना है 5, तो 5 5 25 प्लस 1 6, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको मैग्निफिकेशन मिलता है, समझना ध्यान से, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको मैग्निफिकेशन मिलता है फॉर रियल इमेज ऑब्जेक्टिव से आपको रियल इमेज मिलेगी, रियल इमेज इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -5 इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ, मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव क्या आएगा वी ओ बाई यू ओ, तो आपको वी ओ इज इक्वल टू -5 यू ओ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 अपन एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपन वी ओ माइनस 1 अपन यू ओ, किसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, समझो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस और इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, क्या ढूंढना है मुझे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस के बीच का डिस्टेंस, समझो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस के बीच का डिस्टेंस आप कैसे मिलेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ पे क्या होता है आईपीएस होता है, इसका यहां से जो इमेज बनता है वो वी ओ है और यहां से जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो यू ई है, तो मैं वी ओ ढूंढ लू और यू ई ढूंढ लू, यूई पहले मैंने ढूंढ लिया, अब मैं क्या ढूंढता हूँ वीओ, वीओ प्लस यूई, मोड ऑफ वीओ प्लस यूई मुझे क्या मिलेगा, मोड ऑफ वीओ प्लस यूई मुझे क्या मिलता है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेंस, मोड ऑफ वीओ प्लस यूई, तो मैंने यूई ढूंढ लिया, मुझे अब क्या ढूंढना है वीओ, चलो यहाँ पे कैसे ढूंढते हैं, 1 अपन एफओ, एफओ कितना है 1.25, वीओ कितना है -5 यूओ माइनस यू ऑब्जेक्ट, तो 1 अपन 1.25 इज इक्वल टू -1 अपन यूओ कॉमन निकालता हूं तो ये 1 अपन 5 प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 अपन 1.25 इज इक्वल -1 अपन यूओ 5 इंटू 5 5 प्लस 1 6 बाई 5, तो बोलो यहाँ पे यूओ क्या होगा -6 इंटू 1.25 बाई 5, तो यहाँ पे यूओ क्या होगा बोलो 1.25 बाई 5 कितना होता है 5 2 10 25 होगा, मतलब यहाँ पे 6 इंटू 0.25, तो आपको यूओ मिल जाएगा -1.50, यूओ कितना मिलेगा आपको -1.50, समझना ध्यान से, तो आपके पास यूओ आ गया -1.50 और ये यूई आ गया, तो आप लोगों के पास इफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज इक्वल टू यूओ, ऑब्जेक्टिव के लिए सी, समझ में आ रहा है ये यूओ है, समझना अभी ये यूओ है, इस यूओ को मैं यहां पे रखूंगा तो वीओ इज इक्वल टू -5 इंटू -1.50, तो इसके ऊपर से आपको वीओ मिलेगा, वीओ मतलब ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बना, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बना वो इमेज डिस्टेंस एंड यहाँ पे क्या आएगा आईपीएस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा वीओ प्लस यूई, ये क्या होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, समझना ध्यान से, एक बात समझो आप, मुझे यहाँ पे क्या पूछा गया था सेपरेशन कितना होगा, तो ये क्या है आईपीस, ये क्या है ये ऑब्जेक्टिव और ये क्या है आईपीस, इसकी वजह से जो इमेज डिस्टेंस होगा वो वी
ओ होगा, क्या होगा वी ओ, और इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा यूई। बस इतना आपको समझना है, याद रखना है। ओके तो ये था एक्सरसाइज का 27, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक्सरसाइज का 27, उसके बाद आता है एक्सरसाइज का 28। अ स्मॉल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की बात हो रही है और टेलीस्कोप के लिए आपको पता है मैग्निफिकेशन का इक्वेशन है एफ ओ बाई एफ ई, और ट्यूब लेंथ का आपके पास इक्वेशन है, ट्यूब लेंथ का इक्वेशन है एफ ओ प्लस एफ ई, ये आपको पता होना चाहिए। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आईपीस 5 सेंटीमीटर। चलो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओके एंड आईपीस जो है उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। कितने आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। पहले तो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछ ले टेलीस्कोप का, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए एफ इज एम इज इक्वल टू 4 बाय फी, 4 कितना 140, फी कितना 5, 5 टू जा 10 और 5 8 जा 28 आएगा। ओके अब उसने ऐसा पूछा है कि द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो तब उसका ये नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन, और अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे मिले, क्या मिले फाइनल इमेज अगर नियर पॉइंट पे मिले, नियर पॉइंट पे मिले तो मुझे मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, तो अगर मुझे फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे मिले तो एम ओ इंटू एम ई, तो एम ओ इज नथिंग बट 4 बाय फी और एम ई इज एक्चुअली 1 प्लस डी बाय एफ ई। क्या डी मुझे पता है नियर पॉइंट के लिए 25 सेंटीमीटर लिखोगे, क्या एफ ई मुझे पता है और एफ ओ एंड एफ ई दोनों पता है, बोलो समझ में आया। तो ये 28 सिंपल आपको इक्वेशन रख के आंसर लाना है एक्सरसाइज का 28 नंबर का टेलीस्कोप के ऊपर। एक्सरसाइज का 29 देखो दी आंसर, फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब, अच्छा उसमें ऐसा पूछा है कि आगे वाले सम में जो टेलीस्कोप बताया है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच का सेपरेशन कितना है, मतलब यही टेलीस्कोप की बात यहां पे कर रहे हैं, तो एफ ओ कितना है 140 सेंटीमीटर और एफ ई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ ट्यूब लेंथ, और ट्यूब लेंथ का इक्वेशन है एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, मतलब 140 प्लस 5 मतलब 145 सेंटीमीटर, ये ट्यूब लेंथ का इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू अ 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, वॉट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर formed by the objective lens।
एक 100 मीटर टॉल टावर को हम 3 किलोमीटर अवे से देख रहे हैं, तो उस टावर का इमेज जो हमें दिखाई देगा वो कितना होगा? समझो, बोलो क्या करेंगे? ये ऐसा कहना चाहता है कि मैं 3 किलोमीटर दूर खड़ा हूं एक टावर से मैं 3 किलोमीटर दूर खड़ा हूं और ये टावर की हाइट 100 मीटर है। आप सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं, कहां 100 मीटर और कहां 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। और मैं यहां से टेलीस्कोप से इस टावर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ओके? तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो बहुत छोटा होगा, रहा के ना, हियर टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस 100 डिवाइडेड बाय दिस 3000, बट अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो टेन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 100 बाय 3000, दो मिनट गए तो क्या मैं यहाँ पे 1/3 लिख सकता हूँ, 1/30 लिख सकता हूँ, अल्फा 1/30 रेडियन आ सकता है, ओके? ये 1/30 रेडियन है, ये मुझे पता चला। अब इमेज जो मुझे मिल रही है, क्या मिल रही है मुझे इमेज, वो इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्टिव इज एच। सपोज की एक सिंपल सी बात समझो, यहां से जो इमेज मिलेगी उसकी हाइट सपोज की एच है, क्या है उसकी हाइट सपोज की एच, ये जो इमेज मिल रही है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज की ये इमेज मिल रही है, इमेज की हाइट एच है और वो इसके फोकल लेंथ पे मिल रही है, कहां पे मिल रही है, इसके फोकल लेंथ पे मिल रही है इमेज। तो क्या होगा यहां पे, सपोज हाइट ऑफ इमेज इज एच एट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तब जाके मेरे पास ये ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ये ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टेन अल्फा इज इक्वल एच बाई एफ ओ, तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा इज इक्वल एच बाई एफ ओ, ये इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करो, तो इक्वेशन वन इज इक्वल टू, अगर टू लेते हैं तो एच बाई एफ ओ इज इक्वल टू 1/30, तो एच इज इक्वल टू एफ ओ बाई 30, एफ ओ कितना है 140/30, 3/3 कट, 3/4 12, 3/6 18, 4.6 मीटर जैसा आएगा मुझे इमेज का हाइट कैसा मिलेगा, 4.6 मीटर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 मीटर टावर जो है उसके इमेज का हाइट मुझे कितना मीटर मिलेगा, 4.6 मीटर मिलेगा, समझना ध्यान से। अब उसने क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, बोलो मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, समझ में आ रहा है, मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, आईपीस का इक्वेशन क्या, 1+D/FE, हाँ, तो मैग्निफिकेशन बाय आईपीस मतलब 1+D/FE, आईपीस का मैग्निफिकेशन का इक्वेशन, आईपीस का मैग्निफिकेशन का इक्वेशन। तो बोलो अब मैं क्या करूंगा, मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, देखो यहां पे तीसरा, उसमें ये मैग्निफिकेशन किससे हुआ, ऑब्जेक्टिव से हुआ। अब मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, एमई इज इक्वल टू 1+D/FE, 1+D/25 FE5, तो एमई इज इक्वल टू 1+5 इज इक्वल टू 6 आया, तो ME is equal to H' / H, H' / H मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H' / H। अब H कितना है, देखो समझो आप,
समझो, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज मिली, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज मिली उसकी हाइट कितनी आई, और ये जो इमेज मिली वो आईपीस के लिए क्या बनी, ऑब्जेक्ट। तो आईपीस के लिए, आईपीस के लिए एच क्या होगा, 4.67। तो यहाँ पे एच डैश इज इक्वल टू एम ई इंटू एच, तो एच डैश इज इक्वल टू एम ई कितना है 6 और एच कितना है 4.67। तो आपको आईपीस के लिए, आईपीस की वजह से जो मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी देखो तो 28.02 मिलेगी। कितनी मिलेगी आपको यहाँ पे 28.02, ये आईपीस की वजह से हाइट है, और ये है हाइट ऑफ फाइनल इमेज। क्या है ये, हाइट ऑफ फाइनल इमेज। तो पहले मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ट्यूब लाइन ढूंढ ली, बात खत्म हो गई। फिर मैंने यहाँ पे ऐसा बोला कि सपोज हाइट ऑफ इमेज इज एच एट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव की वजह से जो हाइट मुझे मिली, हाँ, तो टेन अल्फा इज इक्वल एच बाई एफ ओ, तो अल्फा इज इक्वल एच बाई एफ ओ, और दूसरा मेरे पास ट्रायंगल क्या था, टेन अल्फा इज इक्वल 100/3000, तो अल्फा इज इक्वल 100/3000 1/30। इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे ऑब्जेक्टिव की वजह से जो हाइट थी वो मिल गई। अब ये इमेज जो है वो आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, तो उसके लिए एच डैश बाई एच, तो आपको फाइनल इमेज की हाइट मिल गई। देख लो इसे।